मेरा नाम अविनाश है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और मास्टर्स की पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई ठीक से हो सके इसलिए हॉस्टल में रहता हूँ। आज मैं इस किस्से को आपके साथ साझा करना चाहता हूँ जिस कारण मेरी और मेरे साथियों की रातों की नींद हराम हो गई। इस घटना के बाद हर समय हमारे हॉस्टल में अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं। दिल तो ये करता है कि हॉस्टल छोड़ दें, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट के पास कोई भी पीजी नहीं है जिस कारण हमें मजबूरन हॉस्टल में ही रहना पड़ता है। सच बताऊं तो इस घटना के जिम्मेदार हम चार साथी ही हैं। वो दिन मुझे आज भी याद है जब कमलेश दोपहर में मैगी बना रहा था और बोला कि आज कुछ तूफानी काम करते हैं। रमेश और जयंत ने पूछा क्या करें, तो कमलेश बोला कि उसने इंटरनेट पर एक ऐसी वेबसाइट देखी है जिसमें खुदकुशी करके मरे हुए लोग और अकाल मृत्यु से मरे हुए लोगों की आत्मा को बुलाने का तरीका बताया गया है। हमें इस बात का बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। मैंने रमेश और जयंत ने पूछा कि आत्माओं को बुलाकर आखिर हम करेंगे क्या। कमलेश बोला कि हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और जब आत्मा की एक वीडियो बन गई तो उसे यूट्यूब पर डालकर रातों रात स्टार बन जाएंगे। वीडियो मोनेटाइज कर देंगे तो उससे अच्छी खासी इनकम भी होगी और पूरे साल का पढ़ाई का खर्चा भी निकल आएगा। कमलेश की ये बात सुनकर हम सब राजी हो गए। हम चारों ने उस वेबसाइट से पूरी डिटेल्स निकाली, कैमरा निकाला और आत्माओं को बुलाने का सारा इंतजाम किया। हम चर्चा करने लगे कि किसकी आत्मा को बुलाया जाए। हम चारों दोस्त बॉलीवुड एक्टर्स के बहुत बड़े फैन थे, इसलिए हमने सोचा कि दिव्या भारती, जिया खान और प्रत्युषा बनर्जी की आत्मा को बुलाया जाए ताकि हम उनकी मौत का कारण जान सकें और उसे दुनिया के सामने उजागर कर सकें और हमारी वीडियो इंटरनेट पर तुरंत वायरल हो जाए। रात के 3 बजे तक हम चारों ने पूरा इंतजाम कर लिया। हमने सबसे पहले प्रत्युषा बनर्जी की आत्मा को बुलाने के लिए मंत्र जाप शुरू कर दिया कि तभी अचानक किसी लड़की के जोर जोर से रोने की आवाजें आने लगी। ये सुनकर हमारी धड़कनें तेज हो गई। माहौल काफी डरावना हो चुका था। वैसे भी इत्तेफाक से वो अमावस की रात थी, पूरा अंधेरा छाया हुआ था, चारों तरफ घनघोर अंधेरा कि तभी पायल खनकने की आवाजें आने लगी। हमने मुड़कर देखा तो एक काली परछाई हमारे पास खड़ी थी। ये देखकर हमारा जोश ठंडा पड़ने लगा क्योंकि वह आत्मा प्रत्युषा बनर्जी की लग ही नहीं रही थी। हमने उस परछाई से बात करने की बहुत कोशिश की लेकिन उसने हमारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। बस वह धीमी सी आवाज में कुछ बड़बड़ा रही थी। हमने सोचा कि शायद वह अपने आप यहाँ से वापस चली जाएगी, इसलिए हम जिया खान और दिव्या भारती की आत्मा को बुलाने लगे। थोड़ी देर बाद वहाँ पर दो और परछाई आकर खड़ी हो गई, लेकिन दोस्तों उन तीनों परछाइयों में कोई भी परछाई उन मरी हुई एक्ट्रेसेस की आत्मा नहीं लग रही थी और हमारे किसी भी सवाल का जवाब उनमें से किसी ने नहीं दिया। धीरे धीरे हम इस खेल से बोर होने लगे। हमने फटाफट लाइट्स ऑन की और जो देखा उससे हमारी रूह कांप गई। लाइट्स ऑन करते ही वह तीनों आत्माएं विकराल प्रेत जैसी दिखने लगी और एक दूसरे से मारपीट करने लगी और एक दूसरे का मांस नोचने लगी। परछाई से प्रेत बनी इन आत्माओं की लड़ाई देखकर और इनकी चीखें सुनकर हमारे पसीने छूट गए। अब उन तीनों में से दो प्रेत आत्माएं अपने आप जा चुकी थी, लेकिन सबसे पहले बुलाई हुई आत्मा जिसे हम प्रत्युषा बनर्जी की आत्मा समझ रहे थे वह वापस जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। पीछे से बुलाई हुई दोनों प्रेत आत्माओं ने प्रत्युषा बनर्जी वाली आत्मा को बहुत बुरे तरीके से घायल किया था। वह चल भी नहीं पा रही थी। खून से सनी हुई वह प्रेत आत्मा आज भी हमारे हॉस्टल में घूमती रहती है। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा, लेकिन हर रात वह हमारे ही कमरे के एक कोने में खड़ी हो जाती है और रोती रहती है और कभी कभी जोर जोर से चिल्लाती है। हमें समझ नहीं आता कि उस आत्मा को वापस कैसे भेजें। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमें परलोक में भटकने वाली आत्माओं को कभी नहीं बुलाना चाहिए था। हमारी किस्मत अच्छी थी कि उन प्रेत आत्माओं ने हमें रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुँचाया। लेकिन दोस्तों, हम चारों ने इस अनुभव से एक सबक सीखा है कि ऐसा जरूरी नहीं कि जिस आत्मा को हम बुलाने की कोशिश करें वही आएगी, और अगर किस्मत से वो आत्मा आ भी गई तो जरूरी नहीं कि वो हमसे बात करेगी, और अगर उसने हमसे बात भी की तो हो सकता है कि वो हमें नुकसान भी पहुंचा दे।
इसलिए मैं आप सभी को इस कहानी के जरिए ये कहना चाहूंगा कि आप कभी भी इस तरह के चक्करों में ना पड़ें। ये खेल आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। आपको बता दूं कि ये खेल बाहर से दिखने में बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन दोस्तों वास्तव में ये उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर भेज सकते हैं।